हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम के एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल करने वाले हैं। रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई एज ए डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। जब लास्ट वीडियो मैंने बेटा बताया था आपको जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम से, मैं क्या प्रूव किया था? डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या है थे बेटा? टू इंक्रीजिंग फंक्शन एफ 1/2, ओके, वी प्लस एफ, ओके, एंड सेकंड था बेटा मेरे पास एफ एंड जी। जी क्या लिखा था बेटा? 1/2 वी माइनस एफ। एफ तो हमें मालूम है, हमने क्या निकालना है बेटा? वेरिएशन फंक्शन वी, वी हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपको मालूम है बेटा कोस के रेक्स, पहले कोस एक्स का ग्राफ आपको मालूम है ना, ये बनता है बेटा। कोस के एक्स का क्या बनेगा? देखो बेटा, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, ओके। ये मैंने कोस के एक्स का ग्राफ बना लिया। तो यहां पे कोस के एक्स के ग्राफ में देखो आप, जो 0 से पाई बाय 2 फंक्शन डिक्रीजिंग है, पाई बाय 2 से पाई इंक्रीजिंग, पाई से 3 पाई बाय 2 डिक्रीजिंग, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई इंक्रीजिंग। तो क्लियर है बेटा, 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। पाई बाय 2 से पाई तक इंक्रीजिंग, पाई से 3 पाई बाय 2 तक डिक्रीजिंग एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक इंक्रीजिंग, ओके। ये हमारे पास फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब आगे बेटा, अब हमने क्या निकालना है? वेरिएशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 0 से पाई बाय 2 तक इसमें फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, ओके। देन वी एक्स क्या लिखते थे बेटा इसको? वेरिएशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी बेटा? दिस वन इक्वल टू वी ए टू एक्स एफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी 0 एक्स इक्वल टू ए। तो फर्स्ट 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से एक्स एफ फंक्शन क्या है बेटा? डिक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे बेटा? आपको मालूम है ना, यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो हमने प्रूव किया बेटा एफ ए माइनस एफ बी। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या लिखते थे? एफ बी माइनस एफ ए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एफ जीरो माइनस एफ एक्स। बेटा एफ जीरो कॉस जीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। वी 0 से पाई बाय 2 तक की वैल्यू क्या हुई बेटा इसकी? 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 बेटा 0, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 1, ओके। नेक्स्ट पाई बाय 2 से पाई तक वैल्यू क्या है बेटा? इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट वी पाई बाय 2 से एक्स तक, ठीक है, पाई बाय 2, यहां पे क्लोज इंटरवल क्या था बेटा? ए बी। यहां पे क्लोज इंटरवल क्या है बेटा? पाई बाय 2 से पाई। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? एफ एक्स माइनस एफ पाई बाय 2। एफ एक्स किसके इक्वल है बेटा? कोस स्क्वायर एक्स माइनस 0। मेरे पास क्या आ गया बेटा? कोस स्क्वायर एक्स, ओके। देन वेरिएशन फंक्शन कहां से बेटा? 0 से पाई तक क्या लिखेंगे बेटा हम? 0 से पहले एक्स तक क्या वैल्यू आएगी बेटा? वी 0 से पाई बाय 2 एफ प्लस पाई बाय 2 से एक्स तक, ऐसे लिखते हैं ना बेटा। हमने पढ़ा है, देखो सी पॉइंट बीच में लाइक कर रहा है ए टू बी एफ, तो हम क्या लिखते थे? ए टू सी एफ प्लस सी टू बी एफ, ओके, ऐसे मैंने लिखा है। मैं वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा वेरिएशन फंक्शन की 0 से एक्स है, 0 से पाई बाय 2 क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है पाई बाय 2 से एक्स। 0 से पाई बाय 2 वैल्यू कितनी है? 1। पाई बाय 2 से एक्स कितनी है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम ये वैल्यू भी निकाल लें बेटा। लास्ट टर्म क्या है? पाई, 0 से पाई तक।
क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस कोस पाई किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। ओके ये वैल्यू निकाल ली बेटा मैंने। अब नेक्स्ट नेक्स्ट में देखना है पाई से 3 पाई बाय 2 तक, इसमें फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग। तो पहले जैसे मैंने ये निकाला बेटा पाई से एक्स तक फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, एफ पाई माइनस एफ एक्स, एफ पाई कोस पाई माइनस 1 द स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके अब वेरिएशन फंक्शन बेटा वी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वी 0 से एक्स तक क्या लिखेंगे बेटा, 0 से पाई, पाई से एक्स क्या वैल्यू है बेटा 0 से पाई तक 2 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कितना आ गया बेटा 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यू भी निकाल लीजिए लास्ट 3 पाई बाय 2 तक, क्या वैल्यू आएगी बेटा 3 पाई बाय 2 कोस 3 पाई बाय 2 0, तो मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 3। अब लास्ट बेटा लास्ट क्या है बेटा हमारे पास 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, इसमें फंक्शन क्या है बेटा इंक्रीजिंग, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या लिखेंगे बेटा हम, एफ 2 पाई, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कैसे लिखेंगे बेटा फंक्शन, वी 3 पाई बाय 2 से एक्स एफ वी एफ एक्स माइनस एफ 3 पाई बाय 2 एफ एक्स कोस स्क्वायर एक्स 3 पाई बाय 2 0, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई बेटा कोस स्क्वायर एक्स। ओके इसके बाद बेटा वी 0 से एक्स तक क्या लिखेंगे, 0 से 3 पाई बाय 2 एक्स सॉरी एफ टोटल वेरिएशन फंक्शन बेटा प्लस 3 पाई बाय 2 से एक्स तक, क्या फंक्शन है बेटा 0 से 3 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास ये बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन आ गए, एक तो ये वी एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एक 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक है बेटा 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एक है 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन क्या आ गया बेटा, देखना बेटा बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन दिस वन इक्वल टू फर्स्ट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू किसमें लाई कर रही है बेटा 0 से पाई बाय, नेक्स्ट 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जब एक्स की वैल्यू किसमें है बेटा पाई बाय 2 से पाई तक। इसके बाद बेटा पाई से 3 पाई बाय 2 3 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पाई से 3 पाई बाय 2 उसके बाद बेटा 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितनी वैल्यू है बेटा 3 पाई बाय 2 से एक्स तक 2 पाई तक। तो मेरे पास ये क्या आ गया बेटा वेरिएशन फंक्शन आ गया। अब हमने इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है बेटा, कौन सा बेटा एफ एंड जी, सॉरी इसको लिख लीजिए आप जी एंड एच। तो ये जी क्या है बेटा मेरे पास 1 बाय 2 वी प्लस एफ, तो क्या लिखेंगे बेटा हम वी प्लस एफ, ओके 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 बाय 2 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 2, नेक्स्ट 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स पाई बाय 2 से पाई तक, नेक्स्ट 3 बाय 2 पाई से बेटा 3 पाई बाय 2 आगे 3 प्लस 3 बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, नेक्स्ट बेटा h 1 बाय 2 v माइनस f
क्या निकालेंगे बेटा वैल्यू, v माइनस एक्स, 1 बाय टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जीरो से पाई बाय टू तक, ओके। नेक्स्ट 1 प्लस 1 बाय टू, पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई, 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 3 बाय टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाय टू। नेक्स्ट 3 बाय टू, 3 पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। ओके, ये थे बेटा हमारे पास टू इंक्रीजिंग फंक्शन। जाओ हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। आपने फर्स्ट क्या देखना है, किसमें इंक्रीजिंग है किसमें डिक्रीजिंग है, उसके बाद अपने वेरिएशन फंक्शन निकालना है। तो ये थी बेटा फर्स्ट एग्जांपल फॉर रिप्रेजेंट टू इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी करूंगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।